ठीक है भाई, गुड मॉर्निंग छोटे प्रोग्राम। तो कैसे था सब? बढ़िया होंगे तो मैं भी बढ़िया। तो नेक्स्ट डे का है ये, अगला दिन। तो सुबह उठ गया था, हमें जल्दी सुबह उठे थे हम 8 बजे। 8 बजे उठने के बाद काम वाम करा, फिर घर का, फिर अब जाके रेस्ट करा थोड़ी देर, फिर जाके क्योंकि अब निकलने की प्लानिंग हो चुकी है अपनी, और टाइमिंग हो चुकी है 11:04। देख सकते हो जैसे कि 11:04। ओके, तो अब फ्रेश वेश क्या, मैं नहा हूँ भी लिया एकदम, ये देखो ब्लू शर्ट और ब्राउन पैंट और नीचे चप्पल अपनी स्लीपर, जो स्लीपर में रहता हूँ मैं ज़्यादातर, क्योंकि शूज़ वगैरह मैं पहनता नहीं, गर्मी का टाइम है इसलिए, और अपनी गाड़ी में ना ही एसी है तो इसलिए मैं ज़्यादातर स्लीपर चप्पल में रहता हूँ। ठीक है, तो अभी कंगा उंगा कुछ नहीं करेगा क्योंकि अभी मैंने नहा के ही कपड़े पहने हैं, तो इसलिए मैं ब्लॉग शूट कर देते हैं। तो वैसे मूड तो नहीं था मेरा क्योंकि फिर मैंने कर लेते हैं कोई नहीं, क्योंकि अभी दिल्ली निकलना है, नॉन स्टॉप दिल्ली निकलना है, दिल्ली जाएंगे। और अपने कपड़े ये रहे अपने कपड़े, ठीक है। और अभी बस काम सब कुछ हो चुका है, सब बढ़िया हो गया एकदम, फंक्शन उसे अपना, और बस तो चलते हैं। ठीक है, अभी थोड़ी देर में मिलता हूँ आपको वापस। ओके, परी छत है, ठीक है भाई तुम्हारा भाई। एक चीज़ बताऊँ, यहाँ से ना मैं इस बाउंड्री पे जाता था, इस बाउंड्री से वहाँ पे कूदता था जब बचपन में छोटा था, जब इसकी उम्र का था, मैं इतनी सी हाइट का था जब मैं, जब यहाँ से कूदता था वहाँ पे नीचे जाके एकदम। अरे पीछे खेत है हमारे घर के आके। और एक चीज़ दिखाऊँ, हमारे यहाँ पे नदी भी है, बोरी नदी, ये री नदी झील है, सबसे बढ़िया झील है। और ये अपनी छत, और गाड़ी वहाँ खड़ी है अपनी, ये खड़ी गाड़ी अपनी, ये अपनी छत ऊपर गई, और ये पीछे का बैकग्राउंड है, नहीं ये क्या खड़ी गाड़ी अपनी, ये पीछे का बैकग्राउंड अपना, अपना है सब कुछ यहाँ पे, किसी का नहीं अपना ये सब डिवाइस। सही कह रहा हूँ मैं। अपना नाश्ता हो चुका है, रोटी वोटी खा ली है, पनीर की सब्ज़ी थी, मटर पनीर और रोटी, और मैंने खा ली, और साथ में ये थी सीत लस्सी भी पी ली है अपने। और अब निकलना है, तो टाइमिंग हो चुकी ज़्यादा ही, 11 बज चुके हैं, जल्दी से चलते हैं यहाँ से। कुछ ऐसा सीन हो गया है कि अभी हम निकले हैं शाम को, वो भी 4-5 बजे से, क्योंकि बाहर गर्मी ना इतनी ज़्यादा हो रही है, हद से ज़्यादा लू हो रही है एकदम। रास्ते में को पता ही है कैसा हाल रहता है, कैसा नहीं, क्यों बेकार लू बहुत दिखाए। लबो इधर देख, छिपो ऋषि ऋषि, हाय कर दो, चले हाय। तो यार गाइज अभी नहीं निकल रहे हम, शाम को निकले ठंडा मौसम होने के बाद, क्योंकि अपनी गाड़ी में एसी तो है नहीं आप और को जैसे पता है क्योंकि, तो शाम को मिलते हैं हम। ठीक है, आपको वापस घर को करते हैं बाय बाय, दादी को भी बाय बाय करते हैं। टाइम हो चुका है देख रहे हो, 3 बज गए हैं, और अब जाके निकल रहे हैं, गाड़ी ये खड़ी अपनी बाहर जाके, तो बुआ और सारे वो सब चल रहे हैं अपने साथ, चाचा और दादी यहीं पर रहेगी, और बस हम निकलते हैं सफर की स्टार्टिंग, दिल्ली तक का स्टार्ट करते हैं दोबारा से, ठीक है जर्नी। और गाड़ी में बैठ जल्दी से चाची बोरी। और हेलो गाइस, ठीक है बाय बाय घर, दोबारा मिलूंगा, ठीक है दादी बाय बाय, दादी बाय बाय, इसमें भी बाय बाय कर दो, बाय बाय। चलो गाइस यार, अपने निकल चुके हैं अब दिल्ली के लिए, और टाइमिंग 3:09 हो चुकी है, तो पहुंचने में कम से कम पीछे है गाड़ी बोरी, नेक्स्ट वन के पीछे है, और दूसरी गाड़ी बोरी पीछे है, ये पीछे, और चल रहे आगे जूस, अभी क्या हो गए, ये तो रहे पीछे, अच्छा पीछे ही रहे, और सब चलते हैं यहाँ से, दूसरी गाड़ी पीछे भी साथ साथ में चलेंगे, तो पहुँचेंगे 7-8 बज जाएंगे पहुँचते घर पे भी अगर, तो मिलता हूँ आपको आगे रास्ते में। वो भी फास्ट टैग इसलिए तो गाइस यार, पहला टोल टैक्स आ चुका है घर से निकलने के बाद, तो ये टोल टैक्स ना कैश में होता है, कैश ये 40 का है, फिर इससे आगे एक टोल टैक्स होता है और वो पड़ता है 35 का, फिर उसके बाद फास्ट टैग वगैरह यूज़ होते हैं, फिर इसमें देखते हैं भाई कितना टाइम लगा रहा है, तो यहाँ पे 40 का है क्योंकि मैं कल आया जब भी पर चला था मेरे को, तो देखते हैं लो भैया। तो यहाँ पे टोल टैक्स कट रहा है अपना, पर्ची कटेगी फिर आगे एक और कटेगा 35 का, फिर उसके बाद फास्ट टैग यूज़ होगा। ये भाई अपने, और ये अपनी गाड़ी, ठीक है तो मिलते हैं अभी आपको थोड़ी देर में। अरे रुक जाओ भैया, जिस एम्बुलेंस है क्या भैया, सॉरी। तो ठीक है चलते हैं, तो पीछे ये एम्बुलेंस थी, सितम कर कटती नहीं,
सर गाइस, घर से हमने तकरीबन अभी पार कर दिया है 50 किलोमीटर। दूसरी गाड़ी रुक चुकी है, ये रही। क्या हुआ, क्या हुआ? वो भाई देख रहा है क्या कर रहा है। तो यहाँ पे रुके हैं, तो भाई अपना सामान वामान लेने के लिए गए होंगे कुछ, और गर्मी आज कम है वैसे तो बस ये मार्केट वाला एरिया है, तो हम चलते तो आगे अपनों के आ जाएंगे, धीरे चलाएंगे। ये खड़ी दूसरी गाड़ी, राजस्थानी उसको बोलते हैं पुचका, और अपने दिल्ली में बोलते हैं गोलगप्पे। गोलगप्पे हैं अपने यहाँ के, ये राजस्थान के सबसे फेमस जगह होती हैं, सबसे फेमस होते हैं गोलगप्पे और पुचका। पुचका व्हाट इज पुचका, पुचका बोलते हैं राजस्थान में। ये खड़ी अपनी गाड़ी, तो खाते जल्दी से पुचका, खाते पुचका खा लिए। तो ये बन रही झालमुरी, ये झालमुरी बन रही है, झालमुरी। अरे मेरा पानी, कालिया कालिए, कालिया जी, कालिया जी, चाचा का मुंह देख रहे। यार टाइम हो चुका है 4:30, और अभी तक हमने तकरीबन क्रॉस किया है 30, 60, 70 यानी 70 किलोमीटर अभी तकरीबन हमने क्रॉस किया है अभी अपने घर से वहाँ से। तो बस 4:20, हाँ 4:20, 4:30 ही समझ लो यार चाचा, कोई नहीं। ये देखो कैसे राजस्थान के टीपे वगैरह ये पुराने घर खंडर से, तो आपने पहले ब्लॉग में देखे, जैसे कल वाले ब्लॉग में कैसे महल है यहाँ पे हमारे राजस्थान गाँव में। अरे रास्ते देखो यार कितने बढ़िया लगते हैं, मेरे को तो ना ये चीज़ बढ़िया लगती है रात के टाइम ना आते जब, ऐसे लगता है जैसे ही गुफा है, ये ऐसा लगता है सेम टू सेम गुफा वाला फील आता है यहाँ पे रात के टाइम। रात के टाइम तो यार भी चलो, फिर कोई नहीं, थोड़ी देर में मिलते हैं अभी वापस। बार बार मिलते रहते हैं यार गाइस अपने, तो बस आप गाने सुन के बताओ कैसे लग रहे गाने आपको, बढ़िया लग रहे ना? ऐसे गाइस यार, ऐसे गाने सुनता हूँ मैं वैसे, ठीक है गाइस। तो ये मिलते हैं वापस थोड़ी देर में। यार ये आ चुका अपना फाटक यहाँ का, लोहारू का फाटक है ये, तो यहाँ से निकल चुके हैं, और यहाँ से अब हम राजस्थान खत्म हो गया। देख रहे तो खंभा भी पड़ा है, पता है? अच्छा पता है मुको, तो अभी राज ये हरियाणा लग गया ना, हरियाणा ही। अच्छा वो भिवानी का टोल टैक्स, वो बैरिकेटर के पास से अभी हरियाणा। कहाँ से? डिवाइडर रोड छोड़ा था ना, वहाँ से हरियाणा लग गया था। अच्छा यार ट्रक वाला निकलने नहीं दे रहा यार, क्या चाह रहा है तू भाई, निकलने दे भाई आगे, ठीक है। इसका मौसम हो चुका है काला काला, और यहाँ पे लग रही टोल की लाइन, हरियाणा का टोल टैक्स है ये, तो यहाँ लाइन लग रही है पीछे तक भी, यहाँ पीछे तो मैं हूँ लास्ट में, तो यहाँ तक लाइन लग रही है। और टोल ये देखो यार लोकेशन है कैसी है यार गाइस, बढ़िया लग रही है ना। और यहाँ चल रहे अपने गाने, चाचा से बैठे, ठीक है तो चलते हैं हम जल्दी से आगे भाई। बारिश का मौसम हो चुका है, देखो यार हल्की हल्की बूंदे दिख रही है, बूंदे इस पर हल्की हल्की, ठीक है। कैसे आंधी आ रखी है यहाँ पे, कैसे पेड़ गिरा पड़ा बीच में, कैसे देख लो यार गाइस कितना खतरनाक खतरनाक पेड़ गिरा पड़ा है। और ये देख आया चल बारिश तेज आई है यहाँ पे यार, कितना खतरनाक, अभी स्पीड में आता तो कोई हो जाता कोई हो तो ठीक। देखो एक वो गिरा पड़ा एक, तो ऐसा लग रहा था कि नीचे खड़ा हुआ है पेड़, ये ऐसा लग रहा दूर से आ रही है, दूसरा पेड़ गिरा हुआ है। ओ भाई साहब ऐसा कैसा, अच्छा ये देखना गाइस यार क्या हाल हो रखा रोड का, भैया जी जड़ से ही उखड़ गया पेड़, पति पति जड़ से ही, जिसे बोला ना जिसने जड़ से वही जड़ से, तावड़ तोड़ बारिश हुई है यहाँ तो भैया जी, मौसम ठंडा और कहा रोड गीले पड़े हैं, उस सुबह गाड़ी साफ करी थी और वो गंदी हो रही है वापस, क्या करो बोल सकते नहीं कुछ, क्या गए यार गाइस आप, बस खाली यार रोड का एंजॉय लो बस, और कुछ नहीं बस। और ये देखो ना यार इधर क्या बढ़िया नेचर आ रहा है, क्या व्यू आ रहा है एक नंबर का,
मन तो कर रहा है यार फोटो वोटो खींचने का, रील वील बनाने का, पर यार मैं क्या करूँ, हमारे चाचा बैठे हैं, कह रहे जल्दी जल्दी चल, क्या बोलूँ मैं यार, मैं रुक भी नहीं सकता यार, इतना मजबूर हूँ मैं, हमारे चाचा रुकने दे ही नहीं रहे हमें। क्या भाई यहाँ पे सूख गई, नहीं ये गिल्ली पड़ी है, एक और गिरा पड़ा पेड़, वो भाई साहब इतने पेड़ गिरे हुए हैं आज, समझ नहीं आ रहा भैया जी। और ये तुम्हारा भाई ये रहा, ठीक है जय माता दी, तुम्हारा भाई हैंडसम लग, आने कितने पेड़ है भैया जी, अभी भी कम से कम 10 पेड़ छोड़ के हम पीछे अभी भी, और अभी भी ये पेड़ ये था, और अभी आगे पता नहीं और कितना क्या है क्या नहीं, मौसम एक नंबर का आ रहा है जो भी है यार, हमें नहीं मतलब, हमें तो हमारा रास्ता मिल रहा जाने का, और कुछ नहीं हमें, कोई नहीं बस हमें मौसम देखो यार गाइस कितना मस्त लग रहा है पेड़, और यहाँ पे हम फोटो शूट करने के लिए रुके थे, ये देखो कैसे लग रही है एकदम, कैसा व्यू लग रहा है गाइस देखना कहीं से पीछे का, ठीक है और यहाँ से देखना, और यहाँ से देखो क्या व्यू आ रहा हो ऑसम, ये हमारा प्रिंस, क्या ऑसम ही व्यू आ रहा है यार गाइस, एक नंबर व्यू आ रहा कसम से कह रहा हूँ मैं, हैं ऐसा लग रहा है जैसे कि हम पहाड़ों में कहीं हिमाचल साइड है कहीं पर, ऐसा फील आ रहा है कम से कम, बहुत बढ़िया फील आ रहा है। तो यार चलो चलते हैं, ठीक है गाड़ी में बैठते हैं, फोटो शूट वगैरह हो गया थोड़ा बहुत, चलो चाचा गाड़ी में शिमला वाला और हिमाचल वाला मजा आ रहा है, देखो पहाड़ भी आगे, देखो यार कहाँ गए, ये देखो यार कहीं यार पहाड़ भी आगे देख लो यार, और क्या लोग यार जिंदगी में देखना, देखो यार क्या ऑसम व्यू लग रहा है, माँ कसम भाई कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है हमें, जब सब कुछ ही यहीं पे मिल रहा है, रास्ते में जाते जाते ही सब कुछ मिल रहा है हमें यहाँ पे, ठंडा हो गया है ना ये मौसम ठंडा होने के बाद, ये देखो पहाड़, अब देखो ना पहाड़ क्या लग रहा है, हिमाचल आ गए, हिमाचल हम हिमाचल, ओ हिमाचल वाली ये हिमाचल वाली यार क्या, चलो फिर यार बारिश आ चुकी है, और बारिश आनी स्टार्ट हो चुकी है, देख रहे हो यार शीशे पे, और अभी तो यार अभी तो मेरे को लग रहा है आगे काफ़ी ज़्यादा तेज़ मिलेगी, क्योंकि आगे ना बादल काले हो रहे हैं काफ़ी ज़्यादा, कैमरे में तो इतना साफ नहीं दिख रहा होगा, वैसे दिख रहा है वैसे, लेकिन इतना कम गंदी होनी स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। और ये अभी से ना मैं सुबह साफ करके लाया था गाड़ी को, ठीक है, और मौसम देख रहे हो बिल्कुल एकदम बढ़िया वाला मौसम हो रहा है, और गाड़ी दूसरी आ चुकी है, आ चुकी है दूसरी गाड़ी, ठीक है, तो अभी चलते और आगे और मस्ती लेते हैं, गाड़ी गंदी होनी स्टार्ट हो चुकी है, तो चलते, ठीक है। यहाँ पे रुके हैं बालाजी होटल रेस्टोरेंट पे, तो चाय भी पीते हैं, गाड़ी देख लो गाड़ी का हाल क्या हो चुका है अभी गंदी, और कल जाके धुलेगी अभी जाके, और एक बार फ्रेश व्रेश हो लेते हैं, फ्रेश व्रेश हो लेते हैं और चाय भी पीते हैं, फिर निकलते हैं वापस यहाँ से, सो के आस पास अब घर जा गया यहाँ से, तो एक घंटे अभी एक या डेढ़ घंटा और लग गया घर पहुँचने में, तो बस और क्या, अरे इन दोनों को देख लो और, हाँ भाई हाँ भाई जो बंद अभी होटल पड़ा बंद, और सारे के सारे उतर गए, जाके कुछ ऐसी जगह रुके हैं, वो खड़ी अपनी गाड़ी उधर दूसरी एरी पर, ऐसी जगह रुके हैं, अब जाके चाय भी पीते हैं, वो तो बहुत देर से ना प्रेशर आ रहा है बहुत देर का, तो फ्रेश होता हूँ जल्दी से पहले, लेकिन जी जा चुके हैं वे अंदर, तो उनका आने के बाद फिर हम चलेंगे, ठीक है। ये देखो वाटर क्रॉसिंग पैदल के लिए, और अभी मैं यहाँ पर बच गया, कहाँ था वो यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे भी ना पैर फंस गया था अभी मेरा, निकल के क्या अभी नहीं निकले, तो ये देखो क्या मस्त लग रहा सीन, ये है आलू का पराठा चाय चटनी, चलो खा करते हैं नाश्ता, जल्दी निकलते हैं यहाँ से, यार गाइस रात हो चुकी है और टाइमिंग हो चुकी है 8, और क्या बोलते हैं अभी एक घंटा और लगेगा पहुँचते, क्योंकि अभी वन वे रोड चल रहा है काफ़ी देर से, तो वन वे रोड पे काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया, ठीक है, और बस 2 मिनट में हाईवे आ जाएगा अपना, फिर उसके बाद बस हाईवे आ जाते, फिर यार अपना ये सोनी पटाला रोड आ चुका है, तो घर अभी 10 मिनट में पहुँच जाएंगे, यहाँ से रह गया
8-9 किलोमीटर और रह गया घर, यहाँ से घर पे जाके रेस्ट करेंगे। नींद आ रही है तगड़ी, सोऊंगा जाके मैं तो। और एक तैयारी लाइट आ जाए घर पे, आ चुका था घर पे मैं, आ चुका था 9:30 बजे तक आया था और टाइम हो चुका है अभी 11:10 एंड गाड़ी अभी खड़ी करके आ चुका हूँ अपनी फ्लाइट पे मैं। तो गाड़ी भी काफ़ी ज़्यादा गंदी हो रही, जैसे कि आपने देखा था पहले काफ़ी ज़्यादा गंदी हो रही, सुबह साफ़ करी थी मेहनत करके और दोबारा गंदी हो चुकी है। कोई नहीं यार, वो जब जाना होगा अब जब निकालूंगा अब जब भी धुलवाऊंगा उसको, खड़े रहने दो। मैं भी काफ़ी ज़्यादा थक चुका हूँ और काफ़ी गाड़ी भी अभी चल चुकी है एंड 550 करीब चला ली है, क्योंकि यहाँ से जीरो करके लेके गया था तो आना जाना ट्रिप हमारा 550 किलोमीटर का होगा इसमें, ठीक है। और तेल इसमें पिया है 3500 का, 3500 रुपीज़ का तेल ने पिया जैसे कि, ठीक है। एंड आज 9 बजे था, वैसे मैं कहीं चले गया था और कुछ काम आ गया था मेरे को एमरजेंसी, तो फिर उसके बाद अब मैं घर पर आ गया। तो इस ब्लॉग में जो भी आपको पसंद आया हो तो कमेंट सेक्शन में बताना क्या पसंद आया क्या पसंद नहीं आया। काफ़ी हालत देख रहे हो कैसी हो रही, क्योंकि थका पड़ा हूँ अभी, फ्रेश व्रेश होके सोऊंगा सीधा, क्योंकि हालत तुम्हें पता मैं 2 दिन से ढंग से सोया नहीं, बस खाली कल 2 घंटे सोया, परसों 2 घंटे सोया था, आज जाके सोऊंगा नींद से एकदम फुल चैन की नींद, ठीक है। और बस क्या ही कहना, जो भी पसंद आता है कमेंट सेक्शन में बताना और लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। ओके बाय, मिलते हैं बाय नेक्स्ट ब्लॉग में।